मैं सर्वप्रथम मेरे सहकारी साथी जो हैं उन्होंने एक साल में काफ़ी लगन से अपना प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशंस है क्वालिटीज़ हैं वो दिखा के एक पूरा साल हमारा 2021 पूरा हुआ है और इसमें हमने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की है। खास करके हमारा जो डिटेक्शन रेट है क्राइम का उसमें वृद्धि हुई है, प्रॉपर्टी रिकवरी में वृद्धि हुई है, कन्विक्शन में अच्छा काम हुआ है, पब्लिक के साथ जुड़ने में हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमने अब सब अचीव किया है, ऐसा नहीं है। कई चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उसका हमें ज्ञान है और हम ओपन टू सजेशंस हैं और आज भी हमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए और सजेशंस दी गई, हमने वो सब नोट करी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर वसई विरार एरिया के लोगों को एक अच्छा चुस्त पुलिस प्रशासन जो क्रिमिनल्स के ऊपर कंट्रोल करे और लोगों की मदद करे, ऐसा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और इस प्रयास का हमारा एक लेखा जोखा हमने सामने रखा है। जानते हैं राज्य शासन का एंटी करप्शन ब्यूरो एक अपने आप अलग महकमा है और वो हमारे ऊपर वॉच रखने का काम करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में गलत ना हो ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा प्रयास ये है कि सीनियर ऑफिसर्स लोगों को उपलब्ध रहें। तो अभी 112 नंबर 24/7 चल रहा है, वेबसाइट के ऊपर हमारा एक नंबर है, हम रोज़ लोगों को 3 और 5 के बीच में मिलते हैं। अपील करते हैं लोगों को कि अच्छा प्रशासन पाना ये आपका मूलभूत अधिकार है, इसमें अगर आपको कहीं खोट नज़र आए आप हमारे सामने ज़रूर लेके आइए। बहुत लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है और आगे भी करेंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जीरो टॉलरेंस। सर जैसे कि आपको एक हमारा क्राइम का फोकस रहा है और आप जैसा देखेंगे 2021 में हमने 3 गुना अपनी कार्रवाई बढ़ाई है और आप जैसे बता रहे हैं जो भी एरिया की हमें स्पेसिफिक कंप्लेंट मिलती है हम थोड़ा पेट्रोलिंग अच्छा करेंगे, सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करेंगे, जरूर सख्त कार्रवाई करेंगे, की है और उसके रिजल्ट भी हमें मिल रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।